नवरात्रि का पर्व देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और उपासना का पर्व माना जाता है। इन 9 दिनों में शक्ति की उपासना की जाती है और देवी से आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है, लेकिन इन दिनों हनुमान जी की उपासना और उनके विशेष टोटके भी अत्यधिक प्रभावशाली माने जाते हैं। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है और उनकी कृपा से जीवन के समस्त संकट, बाधाएं और समस्याएं दूर हो जाती हैं। नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में हनुमान जी के कुछ खास टोटके करके आप अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। हनुमान जी की पूजा और टोटके व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाने का मार्ग प्रदान करते हैं। हम विस्तार से जानेंगे कि नवरात्रि के इन पावन दिनों में हनुमान जी के कौन कौन से अद्भुत टोटके हैं जो आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। 1. हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा का पाठ न सिर्फ नवरात्रि में बल्कि हर दिन करने से मन को शांति, शक्ति और जीवन में समस्त संकटों से मुक्ति मिलती है। हनुमान चालीसा को संकट मोचन हनुमान जी की सबसे प्रिय प्रार्थना माना गया है और इसे श्रद्धा के साथ पढ़ने से भक्त की हर मनोकामना पूर्ण होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में प्रतिदिन सुबह और शाम के समय शुद्ध होकर हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें, साथ ही लाल पुष्प अर्पित करें। पाठ करते समय अपने मन की शांति और संकटों के निवारण की प्रार्थना करें। जीवन के सभी संकटों से मुक्ति मिलती है, मानसिक शांति और आत्मबल में वृद्धि होती है, रोगों और शत्रुओं से रक्षा होती है। 2. बजरंग बाण का पाठ। बजरंग बाण का पाठ हनुमान जी का एक और शक्तिशाली टोटका है जिसे विशेष रूप से शत्रुओं पर विजय पाने के लिए पढ़ा जाता है। यह पाठ हनुमान जी के उस रूप की स्तुति करता है जिसमें वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। नवरात्रि के किसी भी दिन सुबह या शाम के समय हनुमान जी के मंदिर में जाकर बजरंग बाण का पाठ करें। हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। पाठ के बाद हनुमान जी से अपने शत्रुओं से रक्षा की प्रार्थना करें। शत्रु पर विजय प्राप्त होती है, सभी बाधाएं और संकट दूर होते हैं, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 3. लाल वस्त्र और लाल पुष्प अर्पित करना। हनुमान जी को लाल रंग अत्यधिक प्रिय है। यदि नवरात्रि के दिनों में आप हनुमान जी को लाल वस्त्र और लाल पुष्प अर्पित करते हैं तो इससे आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यह एक सरल लेकिन अत्यधिक प्रभावशाली टोटका है। नवरात्रि के किसी भी दिन सुबह के समय हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें लाल रंग का वस्त्र और लाल पुष्प अर्पित करें। सिंदूर और चमेली का तेल हनुमान जी की प्रतिमा पर अर्पित करें। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करें। आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं, घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है, मनोकामनाओं की शीघ्र पूर्ति होती है। 4. संकटनाशन हनुमान अष्टक का पाठ। संकटनाशन हनुमान अष्टक का पाठ भी नवरात्रि के दौरान अत्यधिक फलदायी माना जाता है। यह पाठ उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो जीवन में कठिनाइयों और संकटों का सामना कर रहे होते हैं। संकटनाशन अष्टक का नियमित पाठ करने से हनुमान जी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। नवरात्रि के किसी भी दिन सुबह स्नान के बाद हनुमान जी के सामने बैठकर संकटनाशन हनुमान अष्टक का पाठ करें। हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाए हनुमान जी से अपनी मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना करें। जीवन के समस्त संकटों से मुक्ति मिलती है, घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है, कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। 5. हनुमान जी के मंत्रों का जाप। हनुमान जी के मंत्रों का जाप नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से प्रभावशाली होता है। मंत्रों का जाप व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार करता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में नियमित रूप से हनुमान जी के मंत्रों का जाप करने से जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती हैं। प्रमुख मंत्र हैं ओम श्री हनुमते नमः, ओम रामदूताय नमः, ओम बजरंग बलाय नमः। नवरात्रि के प्रत्येक दिन 108 बार हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें। मंत्र जाप के समय हनुमान जी की प्रतिमा के सामने दीपक जलाकर बैठें। जाप करने के बाद हनुमान जी से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। मानसिक और शारीरिक बल में वृद्धि होती है, जीवन की समस्याओं का समाधान मिलता है, हनुमान जी की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 6. शनिवार को हनुमान जी की पूजा। शनिवार का दिन हनुमान जी की पूजा के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है।
इस दिन शनि दोष से मुक्ति और शत्रुओं से रक्षा के लिए हनुमान जी की पूजा अत्यधिक प्रभावशाली मानी जाती है। नवरात्रि के दौरान शनिवार को हनुमान जी की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। शनिवार के दिन सुबह हनुमान जी के मंदिर जाकर उनकी पूजा करें। हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल और लाल फूल अर्पित करें। शनि दोष से मुक्ति मिलती है, शत्रुओं से रक्षा होती है, घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। 7. गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाना। हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग विशेष रूप से प्रिय है। नवरात्रि के दिनों में हनुमान जी को गुड़ और चने का प्रसाद अर्पित करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और घर में समृद्धि आती है। यह टोटका सरल होने के साथ साथ अत्यधिक प्रभावशाली भी है। नवरात्रि के किसी भी दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाएं। प्रसाद चढ़ाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। अपनी आर्थिक समस्याओं से मुक्ति की प्रार्थना करें। आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं, घर में सुख शांति और समृद्धि आती है, व्यापार में उन्नति होती है। 8. पान का पत्ता चढ़ाना। पान का पत्ता हनुमान जी को अत्यधिक प्रिय होता है। नवरात्रि के दिनों में हनुमान जी को पान का पत्ता चढ़ाने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह टोटका कानूनी मामलों में जीत प्राप्त करने और शत्रुओं पर विजय पाने के लिए अत्यधिक उपयोगी होता है। हनुमान जी के मंदिर में पान का पत्ता चढ़ाए जिसमें इलायची और मिश्री रखी हो। पान का पत्ता चढ़ाने के बाद हनुमान जी से कानूनी मामलों में सफलता की प्रार्थना करें। कानूनी विवादों में जीत मिलती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हनुमान जी को लाल ध्वजा चढ़ाने का टोटका। नवरात्रि के दिनों में हनुमान जी को लाल ध्वजा झंडा चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। यह टोटका अत्यधिक सरल होते हुए भी अचूक और अद्भुत परिणाम देने वाला है। हनुमान जी को लाल ध्वजा अर्पित करने से जीवन में आ रही समस्त कठिनाइयां और संकट दूर होते हैं। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए कारगर होता है जो आर्थिक तंगी, पारिवारिक कलह या निरंतर संकटों का सामना कर रहे हैं। नवरात्रि के किसी भी दिन, विशेष रूप से मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाए। वहां हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने लाल रंग की ध्वजा, जिस पर राम राम लिखा हो या सिंदूर से अंकित हो, चढ़ाए। ध्वजा चढ़ाते समय अपने मन में अपनी सभी समस्याओं के समाधान के लिए प्रार्थना करें। हनुमान जी से अपने जीवन में शांति, समृद्धि और संकटों से मुक्ति की कामना करें। श्री राम नाम का जाप। हनुमान जी श्री राम के परम भक्त हैं और उनकी पूजा करने का सबसे सरल और प्रभावशाली तरीका श्री राम नाम का जाप करना है। नवरात्रि के दिनों में श्री राम के नाम का जाप करके आप हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यह जाप आपके जीवन में शांति, सुरक्षा और सफलता लाने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। नवरात्रि के किसी भी दिन सुबह स्नान करके हनुमान जी के समक्ष बैठें, एक माला लेकर श्री राम जय राम जय जय राम का जाप 108 बार करें। जाप करते समय मन को शुद्ध रखें और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए श्री राम से प्रार्थना करें। जाप के बाद हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें और अंत में गरीबों में फल या मिठाई बांटें। मन को शांति और स्थिरता मिलती है। हनुमान जी की कृपा से सभी समस्याओं का समाधान होता है। जीवन में सफलता और उन्नति प्राप्त होती है। सभी प्रकार की बुरी शक्तियां और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। आप सभी भक्तों से एक विनती है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम, जय बजरंग बली।